मैं तेज चला रही हूँ तो इसको प्रॉब्लम हो रही है कि तू तेज क्यों चला। चलाने में दिक्कत नहीं है, एक जगह ने कार से कंपटीशन कर रही थी इधर। बहुत ये सोच रही है कि हम देहरादून 10 बजे तक ये पहुंच जाए, मतलब। तो भाई हम देवभूमि उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है विवेक राणा और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज से शुरू हो रहा है हमारा उत्तराखंड सफरनामा। तो मैं और पूजा हम दोनों जा रहे हैं उत्तराखंड घूमने के लिए। तो पहली जो डेस्टिनेशन होगी हमारी वो आज की है देहरादून पहुंचने की। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और देहरादून यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर है, तो 5-6 घंटे पहुँच जाना चाहिए। और चलाएगी जो ड्राइव करेगी वो पूजा ड्राइव करेगी रास्ते में देहरादून तक। ऊपर पहाड़ों का जो होगा वो फिर थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा दोनों का। तो पैकिंग हमारी पूरी हो चुकी है, ज़्यादा हमने सामान भरा नहीं है, सिर्फ 2 बैग है, एक पूजा का लैपटॉप का है, एक हमारे कपड़ों का है। तो चलिए जल्द से जल्द निकलते हैं। तो जी अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और हम पहुंचे हैं खतौली बाईपास। ये है, हम एक ढाबे पे रुके हैं, ये है साक्षी टूरिस्ट ढाबा। तो हमने करीबन 100 किलोमीटर कवर कर लिया है। जो हमारी डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 156 किलोमीटर है। और भाई साहब अभी इतनी ठंड लग रही है, मतलब इतना तेज़ चला रही थी ये, जो फाइनल पहुँची थी इसकी 98 तक पहुँचा दी थी इसने। बहुत ये सोच रही है कि हम देहरादून 10 बजे तक ही पहुंच जाएं, मतलब 10 बजे तक बोल रही है कि पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर मसूरी वसूरी कहीं जाने को होगा। तो मतलब दिन हमें बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम करना है, क्योंकि इसका थोड़ा ऑफिस का भी है तो उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम कर सके। तो पर मैंने तो बोला कि भाई आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा 11-12 बजे से पहले पहले आराम से पहुंच जाएंगे अगर स्लो भी चाहेंगे तो। तो पूजा का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? मैं ना अभी भी शिवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ठंड लग रही थी, और चलाने में तो नो डाउट बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अगर कम धीरे चला रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आ रहा था, तेज़ चला रहे हैं तो मज़ा आ रहा था, बट मैं तेज़ चला रही हूँ तो इसको प्रॉब्लम हो रही है कि तू तेज़ क्यों चला रही है। अरे मतलब तेज चलाने में दिक्कत नहीं है, एक जगह ने कार से कंपटीशन कर रही थी। दरअसल वो कार जो थी स्कॉडा थी, इसके साइड से निकली तो ये फिर उससे कंपटीशन करने लग गया। वो बंदा ऐसे 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 चला रहा था, मैंने बोला भाई जिंदा घर पहुंचना है। तो ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, 10 मिनट लेट ही पहुँच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो हमने यहाँ से मंगाया है 2 आलू प्याज के पराठे और चाय। सुबह मैं तो कुछ खा के नहीं आया, पूजा ने रोटी खा ली थी बट मैंने कुछ नहीं खाया। तो एक एक पराठा खाते फिर निकलते आएगी। और तो जी हमारे गर्मा गर्म पराठे आ चुके हैं और इसमें मस्त मक्खन डाल रखा है, और ये हमारा है अचार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पराठे को खाना। तो भाई खाना पीना हो गया है और यहाँ पर देखिए भाई 2 यूट्यूबर आ रखे हैं, एसके व्लॉगर, और सबके पास यामाहा की है। तो भाई अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और हम रुके हैं अभी यहाँ पर बरला। आने वाला है शाबार करके जगह है जो हमने पीछे छोड़ी है, तो यहाँ पर हम रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। यहाँ पर है गन्ने का जूस, और ये जो एरिया है मतलब ये वाली जो रोड है इसमें आप देखोगे ना पूरे आगे तक शुरू जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से और आगे तो पूरे गन्ने की जूस की यहाँ पर दुकानें हैं छोटी छोटी जो मतलब होती है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती अब बहुत है। यहाँ पर पूरे ना गन्ने के खेत हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इधर और इस तरफ भी। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर गन्ने के खेत है, तो ये जो यहाँ पर जो बेच रहे हैं ये इन्हीं के ही खेत होंगे, तो उसी से ही मतलब चल रहा है काम।
तो जी आ गया हमारे गन्ने का जूस, तो यहाँ पर एकदम भाई फ्रेश फ्रेश है होगा क्योंकि यहीं के खेत है। तो भाई हम देवभूमि उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं, ये देखिए सामने देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो हम जो हरिद्वार है उसमें एंटर हो चुके हैं, यहाँ से देहरादून करीबन 105 किलोमीटर है, 100 से कम है, नहीं नहीं 105 है, 105 मैंने देखा था, 105 करीबन है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें देवभूमि उत्तराखंड में, हम पहुँच चुके हैं। तो ग्राम सेतपुर में आपका स्वागत है। तो अब यहाँ से थोड़ा जाम लगना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और ये नदी का पानी देखिए पूरा हरा हो रखा है। पिछली बार मैं साइकिल से आया था तब मैंने अब रुका था थोड़ी देर के लिए जूस वूस पीने के लिए। भाई आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये पूरी ईंट बनाने की पूरी भट्टी है, इस पूरे एरिया में पूरी लगी पड़ी है। यहाँ से आगे तक आप देखोगे पूरे जिस रास्ते से हम आए हैं ये पूरा 4-5 किलोमीटर हमने कवर किया सब जगह है, और यहाँ पे पॉल्यूशन भाई इतना ज़्यादा है, मतलब पूरा पूरा आसमान पूरा काला काला हो गया इसकी वजह से। वहाँ पर आप देखोगे उसमें से कितना काला धुआं निकल रहा है, यहाँ पर भी ऐसा है और इस साइड भी सेम ऐसा ही है, दोनों साइड सेम सीन है। और यहाँ पर स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है अजीब सी, तो यहाँ के लोग जो है भाई वो कैसे रहते होंगे भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर। तो भाई फाइनली हमें पहाड़ अब दिखने लग गए हैं, और जो मेरे सामने का नज़ारा है भाई साहब क्या खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए। अभी इसमें थोड़ा दूर है तो शायद आपको सही से दिखे ना, बट बड़ी स्क्रीन में आप देखोगे तो भाई साहब ये पूरी गंगा जा रही है यहाँ से, और वो सामने देखिए पहाड़ दिखने लग गए हैं। मेरा मन तो बहुत है कि उस साइड जा पाए, पर ये रास्ता सीधा जा रहा है, ये सीधा हाईवे है, मैं यहाँ से जा रखा हूँ एक बार पहले भी, पर भाई ये नज़ारा एकदम अल्टीमेट है एकदम। और अभी दिन का जो रोशनी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही चमक रहा है, सामने जो कलर है पेंटिंग है वो एकदम मस्त शाइन कर रही है अभी। तो चलिए अब यहाँ से देहरादून करीबन 50-55 किलोमीटर रह गया है, तो एक घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो जी हम आ गए हैं मायापुर हैंड रेगुलेटर पे, तो यहाँ पर एक पुल है, एक नहीं दरअसल दो पुल है, और यहाँ पर हम जो जा रहे हैं हम वो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं क्योंकि ये एक साइड की लेन है, यहाँ से आने का है और वहाँ से जाने का है। तो भाई हम आए हैं अभी गणेश घाट पर, और भाई यहाँ पर का जो नज़ारा है ना मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम अल्टीमेट है ये देखिए क्या नज़ारा है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हमने बाइक पार्क कर दी है, ये होटल गंगा जो है यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी अच्छी सूरज की धूप है, सनलाइट पड़ रही है एकदम चेहरे पे, और बैठने के लिए यहाँ पर मतलब आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जो पानी का फ्लो है वो भी अच्छा खासा है, गहराई भी अच्छी खासी है, सामने श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर है, भाई सब स्नान कर रहे हैं यहाँ पर भाई ये दिखाता हूँ मैं पानी आपको, देखिए पानी भी एकदम ठंडा ठंडा है और साफ है, हरा हरा हो रखा है वहाँ पर आगे पर। भाई पूजा भी घर में बात कर रही है। तो जी मेरे सामने है श्री गणेश मंदिर, जो कि जो गणेश घाट है ये जस्ट इसके सामने है यहाँ पर, और भाई मंदिर देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर, और अंदर जाने के लिए रास्ता इधर से है, और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है सामने,
पर भाई ये जगह वहाँ पर आप दिखेंगे ना, वो सामने ओम बना हुआ है बहुत बड़ा, वो ब्रिज पे वहाँ पर ओम बना हुआ है भाई। तो जो दर्शन थे अभी दरअसल वो बंद है, 4 बजे खुलेंगे शाम को। तो अभी हम वापस चलते हैं, पूजा वहाँ अकेली है, जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। दरअसल वो जो बैग है वो कंधे में टिका हुआ ना, वो कंधा बहुत दर्द हो रहा है मेरा, क्योंकि जो एम्प्टी है उसका जो मतलब पीछे जो सीट है ना पूरी की पूरी, वो बहुत अनकम्फर्टेबल है अगर दो लोग बैठ रहे हैं बैग के साथ। भाई करीबन आधा घंटा बिताने के बाद और यहाँ पर भाई इतनी शांति है ना, मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आते हो तो इस घाट में ज़रूर रुकिए, गणेश घाट इस जगह का नाम है। और सामने पतंजलि है, यहाँ पर पतंजलि का भी है यहाँ पर कुछ। तो हम निकलते हैं अब देहरादून की ओर, अभी थोड़ा मैं चलाऊँगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी थोड़ा जो ट्रैफिक वाला रास्ता है तो पूजा को अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो बैग है इसमें 2 लैपटॉप हैं और वो हमें आगे रखना पड़ रहा है, मतलब जो बंदा जो चला रहा है उसके आगे रखना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है पूजा को गियर वेयर की। तो यहाँ से थोड़ी देर मैं चलाऊँगा, फिर आगे का पूजा चलाएगी फिर से। अरे यहाँ एम्प्टी भाई आज बहुत चल रही है, आज बहुत चल रही है भाई अपनी एम्प्टी। हाँ लुक इसका बहुत सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ना इस पर जो मैंने जो इस पर लेमिनेशन चढ़ाई है वो शाइन वाली है, और यहाँ से मस्त धूप आ रही है। पानी भी आप देखोगे ना, पानी भी एकदम मस्त चमकता हुआ दिख रहा है, हर चीज़ अभी इस समय भाई एकदम चमक रही है, शाइन कर रही है मस्त। ये पूरा हरिद्वार है और वो ऊपर मनसा देवी का मंदिर, और वहाँ पर वो देखिए वो जो रोप से जाते हैं ना वो भी है, यहाँ से सही से दिख नहीं रहा होगा बट मुझे दिख रहा है वहाँ पर रोप से जाने के लिए है पूरा ऊपर तक। तो यहाँ पर हमने सोचा है हम आते हुए अगर हमें हुआ समय तो हम आएंगे या किसी दिन देहरादून से ही अभी आ जाएंगे, बट अभी हम जल्दी जल्दी देहरादून पहुँचते हैं क्योंकि भूख लग रही है मुझे। और वहाँ सामने शिव जी की मूर्ति है बड़ी वाली, आपने देखी होगी। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो भाई देहरादून अब रह गया है यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर। तो अभी हम थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचते हैं, थंबनेल के लिए फ़ोटो चाहिए थी तो वो यहाँ पर हमने ली है। तो अब अभी 15-20 मिनट पहुँच जाएंगे, हमने बोला थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि पूजा कंधा दर्द हो रहा था। दरअसल ये जो बैग है वो बढ़िया मैं चला लेती वो थोड़ा भारी है, पर लैपटॉप का ज़्यादा भारी है, दोनों बैग लमसम भारी ही है, तो इसलिए पूजा को दिक्कत हो रही थी। तो अब निकलते हैं, चलिए यहाँ पर बंदर भी आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई फाइनली हम करीबन 12:30 बजे तक घर आ गए थे, उसके बाद तो हम कहीं गए नहीं, बहुत थक गए थे। दरअसल जो बैग था हमारे वो बहुत भारी था, 2 लैपटॉप और वो सामान था, उस वजह से हम ज़्यादा ही थक गए थे। तो अब से शुरू होगा अलग अलग ट्रैक हम जहाँ जाएंगे आपको देखने को मिलेगा, तो इस सीरीज बने रहिए। तो अभी चलते हैं, हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।